और सबसे बड़ी बात, हिंदू को किसी से खतरा नहीं है, हिंदू को सिर्फ हिंदू से खतरा है। हाँ। जिस दिन हिंदू एक हो जाए ना तो किसी की हिम्मत नहीं, हिंदू को सिर्फ हिंदू से खतरा है, बाकी किसी से कोई खतरा नहीं है। और हाँ। सबसे बड़ी बात, जब तक हिंदू कट्टर नहीं है ना, हाँ। जब तक हिंदू कट्टर नहीं है ना, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही मरेगा। हाय हाय यही है, हो गया वो हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। हिंदू के हिंदू तो जब से हिंदू बना ना, जब से नपुंसक हो गया, हिंदू थोड़ी हम लोग सनातनी लोग हैं, जिनका अस्तित्व सबने अपना अस्तित्व तलाश रखा है, जिसके अस्तित्व से, सनातन के अस्तित्व से औरों की अस्तित्व है, जिनके औरों ने अपने आप को बनाया, वही आज सनातन धर्म हाशिए पर है। आज भाई आज देखो ना, मुसलमान कितने भी मस्जिदों के अंदर कुछ भी करते हो, कोई उनके बारे में कुछ नहीं बोला। ईसाई मिशन कितने ढोंग करते हो, चीर पाकना जो कितने कुछ करते हो, कुछ नहीं उनके बारे में कोई नहीं बोला, किसी की हिम्मत नहीं, किसी की औकात नहीं बोले। मगर अभी बागेश्वर धाम वालों ने जरा सा बोला, जरा सा वो थोड़ा सा किया, तो सारे के सारे कुत्ते की तरह उनके पीछे पड़ गए, बागेश्वर धाम वाले के, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पीछे। और उसके ऊपर सबसे लोगों की नजर पड़ी, जब से उसने वो क्रिसमस था, उस वक्त में कुछ नहीं, 200 से ऊपर लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके पुनः हिंदू बन गए, जब से उनके निशाने पे आ गए वो धर्म परिवर्तन करना। मगर टारगेट जिनको किया गया, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कराया ना, उनको मारा। अब जैसे कि तुम्हारे वो कल्पक वृक्ष जी, चिकना बाबा जो महाराष्ट्र में जो मारे गए, दो साधु मारे गए, सुशील गिरी और जी, ये क्या सब भागवत प्रेमी लोग थे, इन्होंने क्या ना कई ईसाइयों को अटैक करके वापस हिंदू बनाया था, उनके निशाने कर दिए थे।